चीफ इस्लामाबाद तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, फैसला आपने देखा है, इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त को ताखीरी हरबा कहा गया है और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन पहले ही जो है वो पीटीआई चेयरमैन के लिए बोल चुकी है बैरिस्टर गौहर का। जी, बड़ी अहम डेवलपमेंट है अदालती लिहाज से, जिसकी यकीनी तौर पर सियासी इम्प्लीकेशन भी होगी, खासतौर पर उस पस मंजर में जब हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि कल या आज, आज तो कल मुमकिन नहीं रहा कि कल हुकूमत को आईनी तरमीम लाना चाह रही है और वो आईनी तरमीम जो है उसका मखसूस रजिस्टरों से ताल्लुक भी हो सकता है, जजों की जो तकरीरी की उम्र है, जो मुद्दे मुलाजमत है उससे भी हो सकता है और ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी की जो मुद्दत है, उम्र है रिटायरमेंट की, उसके साथ भी ताल्लुक हो सकता है। तो अगर उसको देखा जाए तो आज इस मौके पर 8 रुकनी जो जजों की एक बेंच थी जिसमें 8 जजों ने हमायत की थी और 5 जजों ने इसको मुस्तरद किया था, सुन्नी साथ कौंसिल की नशस्त वाला मामला, तो उसकी वजाहत आज की है। वजाहत की जरूरत इसलिए पेश आई कि कुछ ऐसा पहले जब ये फैसला आया था तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा था कि वो रिव्यू पिटिशन में भी जाएंगे और साथ ये भी कहा था कि वो वजाहत मांगेंगे कि इस फैसले की वजाहत की जाए, क्योंकि उनकी बकौल, इलेक्शन कमीशन के बकौल, उस फैसले में अब आम था, कुछ एम्बिग्यूटी थी। लेकिन आज 8 जजों की जानब से इस फैसले की वजाहत जारी कर दी गई है। 3 चीजें बड़ी अहम है जिसमें एक तो ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जो वजाहत मांगी गई है इलेक्शन कमीशन की जानब से, वो फैसले पर अमल दरामद करने के हवाले से ताखीरी अतकंडा है, ताखीरी हरबा है। यानी 8 रुकनी जजेज ने ये कहा है कि उस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा और उस फैसले पर अमल दरामद से बचने के लिए ये एक दरखास्त ली गई थी जो कि ताखीरी हरबा, जिसकी वजह से वक्त ज़ाया हुआ। आपको ये भी याद होगा कि इलेक्शन कमीशन जो जो 8 जजेस थे, उन्होंने ये भी एक तारीख दी थी कि उस तारीख तक 17 सितंबर से गालबन उस वक्त तक इस फैसले पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। दूसरी, उन्होंने ये भी कहा है कि ये दरख्वास्त जो दी गई थी ये इस इलेक्शन, इस फैसले पर अमल दरामद की राह में रुकावट है और इस रुकावट को दूर किया जाना जरूरी है। साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहा है इस वजाहती फैसले में कि एक तरफ तो इलेक्शन कमीशन खुद तस्लीम करता है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो कि इस वक्त रुकन कौमी असम्बली भी है और जिनको खास हालात में चेयरमैन बनाया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, अपनी तहरीरों में वो उसको बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन मानते हैं। जब पार्टी का चेयरमैन मानते हैं फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो किस बात की वजाहत मांग रहा है, आपने भी ये फैसला सुन लिया है और खास तौर पर ताखीरी हरबे का नाम जो दे दिया गया है इलेक्शन कमीशन की वजाहत की दरख्वास्त को, इसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं आप और क्या ओपिनियन है आपकी? देखिए, जो फैसला आया था उस फैसले में भी यही लिखा हुआ था कि जिन 8 जजेस ने ये मखसूस नशिस्तों वाला पीटीआई के हक में फैसला दिया था, वही 8 जजेज में से एक जो है ना वो, या इस तरह के अरेंजमेंट में वो रिव्यू इलेक्शन कमीशन का वो डिसाइड करेंगे। तो वो रिव्यू तो आ गया और जब ये इलेक्शन कमीशन ने रिव्यू भी दिया तो उस वक्त भी पीटीआई के लोग जब हमारे शो में भी आते थे या दीगर भी बात करते थे दीगर जगहों पर, वो कहते थे कि इस रिव्यू का कोई और रिजल्ट नहीं आएगा अदर देन कि जो ओरिजिनल वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आया था। तो मैं भी उसी तनाजर में देख रहा हूं कि जो ओरिजिनल फैसला आया था 8-5 का कहा गया या उसको 11-2 का कहा गया, जो भी जिसकी इंटरप्रिटेशन बनती थी, लेकिन ये जो आज अगेन रिव्यू के जवाब में जो कुछ आया है वो तो यकीनी तौर पर वही फैसला है। तो इसमें मेरे लिए कोई नई चीज नहीं है जिससे मैं समझूं कि उससे शायद कोई जो ग्राउंड रूल्स बने थे उस दिन या ग्राउंड वर्क बना था वो तब्दील हो गया। हाँ, अलबत्ता ये चीज अभी तक भी हल तलब है कि जो डिटेल जजमेंट आनी है, ये रिव्यू वाला भी आ गया सारा कुछ, तो डिटेल जजमेंट किधर है? ये चीजें अभी आगे चलेंगी, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दे दी, अब इसकी क्या इंटरप्रिटेशन की जाएगी कि ताखीरी हरबे हैं? ताखीरी हरबे मसलन एक छोटी सी एग्जाम्पल दूं, सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया था मुनाल रेस्टोरेंट हटाने का यहाँ इस्लामाबाद में, उस दिन उन्होंने कह भी दिया रेस्टोरेंट के मालिकों ने कि हम हटाएंगे, 3 महीने के बाद फिर रिव्यू दे दिया और रिव्यू की जब पिटीशन डिस्पोज ऑफ हुई तो उस दिन भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह की ऑब्जर्वेशन दी थी कि ये वादा करके गए थे लेकिन इन्होंने ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए। तो मेरा ख्याल है ये ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का वर्ड को इतना उन लीगल टर्मिनोलॉजी में या कॉनोटेशन में स्ट्रांग नहीं आता। हाँ,
इलेक्शन कमीशन कब इस पे अमल दरामद करता है ये देखना भी बाकी है। ठीक, हमारे साथ ही मौजूद रहेगा शौकत पर, शौकत पर आचा। तारिक चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब क्या इम्प्लीमेंटेशन करती है और कब इम्प्लीमेंटेशन करती है, ये एक सवाल बनता है कि इलेक्शन कमीशन इस हवाले से क्या आगे करने जा रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट का आज का जो फैसला है इसमें कोई डेडलाइन है इलेक्शन कमीशन के लिए? देखिए, डेडलाइन तो नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट के या किसी भी अदालत के फैसले होते हैं तो उसके बारे में तसव्वुर तो यही किया जाता है कि उन पर फौरी तौर पर अमल दरामद किए जाए, लेकिन जब लोअर कोर्ट में मामला जाता है तो उस वक्त आपके पास रेमेडी होती है कि आप सिविल कोर्ट से सेशन कोर्ट और सेशन से हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ जाए फिर आप रिव्यू में जा सकते हैं। तो एक तो जाहिर है कोई डेडलाइन ऐसी नहीं है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए असूली तौर पर कि जो भी फैसला उस पर अमल दरामद करें, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि चूंकि 8-5 का फैसला आया था और 5 जजेज जो मिनोरिटी डिसीजन था उन्होंने अपनी जो तफसीली वजूहत थी उन्होंने कुछ अच्छा पहले आपको याद होगा कि वो फैसले की जो तफसीली वजूहत थी जो उनके आर्गूमेंट्स थे वो जारी कर दिए थे, लेकिन जो 8 रुकनी जो 8 जजेज का बेंच है आज का जो पैनल है उसने अपनी तहरीरी वजूहत अभी तक जारी नहीं की। एक हमेशा क्वेश्चन ये होता है वकला के पास, जब तक हमारे पास तहरीरी फैसला नहीं आएगा और हमें ये मालूम नहीं होगा कि कौन सा फैसला किस ग्राउंड पे दिया गया, यानी किस चीज को कोर्ट किया गया है, कौन सी आईनी सीख को कोर्ट किया गया है, उसी कौन सी लाजो की है, जब तक उनके पास तहरीरी फैसला ना हो तो उनके पास ये एक आर्गूमेंट होता है कि हम उस पर अमल दरामद कैसा करें। क्योंकि इस पे रिव्यू के लिए भी हुकूमत भी गई हुई है, तहरीरी फैसला भी नहीं आया अभी तक, इस पे अभी मुझे लगता है कि मामला आगे चलेगा, आगे इस पे लटक सकता है। एक जरूर इसकी इम्प्लीकेशन हो सकती है जो पहले से भी विवाद थी कि गुज़श्ते 2-3 दिन से बात चल रही है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो सुन्नी साध कौंसिल के अरकान है, हुकूमत उनसे वोट ले ले किसी तरीके से, ये जो मजबूजा इस तरह नीम है, तो आज एक मरतबा फिर उसमें वजाहत की कर दी गई है कि जो जिन लोगों ने पार्टी सर्टिफिकेट जमा कराए थे वो पीटीआई के कामयाब मेम्बरान ही तसव्वुर होंगे, तो अब वो कैसे उनसे, अगर हुकूमत उनसे वोट लेना चाहती है किसी से तो कैसे लिया जा सकेगा, ये एक उसकी हम इम्प्लीकेशंस की बात भी कर रहे हैं। तारिक चौधरी, क्या कोई खुशी की बात हो सकती है किसी भी तरह से, ये सेलिब्रेटरी मोमेंट हो सकती है पीटीआई के लिए अभी, या अभी पीटीआई अरकान को और इंतजार करना होगा? देखिए, जो फैसला पीटीआई के हक में आया था या जिसको पीटीआई अपने हक में समझती थी वो तो महीना डेढ़ महीने पहले आ गया था, तो नई खुशी की खबर तो उनके लिए कोई नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि उनको एक तकवीय जरूर मिल जाएगी कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि बकौल इस बेंच के तखीरत का इस्तेमाल किया था, अब उनको एक मरतबा फिर तंबीह कर दी गई है या कम से कम उनको एक डायरेक्टिव जारी इसका कोई इम्पैक्ट हाउस पे हो सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अभी या आने वाले दिनों में? नहीं, मेरा ख्याल है हाउस की जो न्यूमेरिकल जो डिवीजन है उस पे इसका फौरी तौर पर या इन द लॉन्ग रन भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ लोग जो हैं जो आजाद हैं वो आजाद ही रहेंगे, जो पीटीआई जिन्होंने टिकट जमा करा दिया था सुन्नी साध कौंसिल का या सर्टिफिकेट जमा करा दिया था उनकी सीट भी वही रहेगी, बाकी जो लोग हुकूमती साधी हैं या हुकूमत के अपने मेंबरान हैं उनकी तो हैसियत पे या उनकी जो एक न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ है कोई फर्क पड़ता नजर नहीं आता। सही है, तो अब ओवरऑल किस तरह से परसीव किया जाएगा, क्योंकि एक तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई डेडलाइन नहीं है, जरूर एक दफा फिर से तंबीह कर दी गई है इलेक्शन कमीशन को कि इस मामले को जल्द अज जल्द सॉल्व किया जाए, भले से ताखीरी हरबा कहा जाए जो आज इससे पहले दरख्वास्त के ऊपर जो फैसला किया गया है, लेकिन इसकी कोई डायरेक्ट इम्प्लीकेशन हमें कहीं भी नजर नहीं आती, तो इसका इम्पैक्ट ओवरऑल क्या है इस फैसले का फिर? देखिए जी, इसका इम्पैक्ट यही है कि इलेक्शन कमीशन के लिए एक मरतबा फिर मुश्किल होगी, बाल एक मरतबा फिर उनके कोर्ट में पड़ गई है, अब इलेक्शन कमीशन इसके लिए क्या कानूनी रास्ता अख्तियार करता है, इस पर अमल दरामद करता है, उसका तरीकाकार वजह करता है या फिर एक मरतबा फिर इस बात को प्रेस करता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है कि रिव्यू पिटिशन सुनी जाए या रिव्यू पिटिशन को बाकायदा लगाया जाए, वो जब तक तफसीली फैसला नहीं आता तहरीरी तौर पर उस पर बातचीत नहीं हो सकती, तो मेरा ख्याल है कि एक आध दिन जो है इस पर एक बस हाइप क्रिएट होगी और हाइप क्रिएट होने के बाद एक बार फिर जो मुतलका फ्री कैन है वो अपने अपने कानूनी रास्ते अख्तियार करेंगे। यकीनी तौर पर जिन जजेज ने 8 रुकनी जजेज ने जो इस फैसले को जारी किया है उनकी हो सकता है जेल में कुछ टाइमिंग ऐसी हो जिसके कुछ ऐसे इम्प्लीकेशन हो फौरी तौर पर जो मेरे जैसे आम आदमी को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सियासी लिहाज के या जो पार्लियामेंट की स्ट्रेंथ है जो पार्लियामेंट में डेवलपमेंट चल रही है उसका तो इमीडिएटली कोई फौरी तौर पर सामना नहीं हो सकता। अलबत्त सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा है कि अगर इस पर अमल दरामद ना हुआ तो इलेक्शन कमीशन को इसके नतज मुखनाक होंगे, और वो नतज जाहिर कानूनी होते हैं, अब ये नहीं है कि उसने को पकड़ के कोई मारदार शुरू हो जाती है, इलेक्शन कमीशन के बाद जो है वो कोर्ट में आया इलेक्शन कमीशन के लिए देखना कि इलेक्शन कमीशन अब इस रूप से कैसे निकलता है कानूनी तौर पर
क्या तरीका इख्तियार करता है, क्या रास्ता। आइंदा आम इंतखाबात के लिए कोई काबिले सीख सबक हो सकता है इस इलेक्शन कमीशन के लिए या फिर सियासी पार्टीज के लिए, क्योंकि ये एक हिस्ट्री है कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं उससे पहले किसी ना किसी किस्म की पॉलिटिकल हलचल के अलावा गिरफ्तारियों की हलचल और इस तरह की और चीज़ें भी होती रहती हैं, ऐसे में नंबर्स इधर से उधर भी होते रहते हैं, पार्टियां भी छोड़ी जाती हैं, तो आगे चलकर क्या बेहतर हो सकती है चीज़ें फिर? देखिए, इस फैसले का जो इलेक्शन का यानी कोई आदाज है या इलेक्शन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। इलेक्शन से हमने पहले देखा है कि हर मरतबा जब इलेक्शन होता है तो सियासी जमातें जो पार्लियामेंट में मौजूद होती हैं उनकी लीडरशिप बैठती है और वक्त के हालात के मुताबिक एक कोड ऑफ कंडक्ट तय करती है। उसमें अगर कोई रूल पड़े तो इलेक्शन एक्ट में तारमेल भी होती है, जो 2024 का इलेक्शन था उसमें भी हुई है, 2018 से पहले भी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद हर इलेक्शन में इंतखाबी असलाहत के बावजूद इलेक्शन के नतज जब सामने आते हैं तो कोई ना कोई उसमें इतराज आ जाते हैं, ऑब्जेक्शन आ जाते हैं, कंट्रोवर्सी जन्म लेती हैं। तो वो तो एक हमारे यहाँ हमारे सियासी कल्चर का हिस्सा है, जितने मर्जी कवानीन बना लिए जाए कोई ना कोई फ्रीक ऐसा जरूर आता है आके कहता है जी कि मेरे साथ ज्यादती हुई है। अब उस ज्यादती का अजाला अदालतों में नहीं होता, उस ज्यादती का अजाला कोड ऑफ कंडक्ट के लिए होता है। सियासी जमातें कितने मचोर हैं, सियासी जमातें बैठ के कैसा कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है, कैसे कवानीन बनाती है, रूल एंड प्रोसीजर बनाती है, ये उन पर है। और मेरे ख्याल है ये मामला एक मरतबा फिर ये जब भी इस पर कोई यानी वंस फॉर ऑल फैसला होगा वो पार्लियामेंट में होगा, पार्लियामेंट ने फैसला करना है कि उसने कैसे कवानीन बनाने हैं। ठीक है तारिक चौधरी, बहुत शुक्रिया, इस मामले पर आप हमें अपनी डिटेल्स और एनालिसिस दे रहे थे। पर आए रास्ते भी आपको कौमी असेंबली के इजलास की